सो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सब। सो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो आज हम बात करेंगे आखिर में क्यों M16A4 बहुत ही बेस्ट गन है। एंड यार मैं आपको इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूंगा। सो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना, कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आपको ज़रूर स्ट्राइक करेंगे एंड आपको फोर्स करेंगे कि हाँ आप भी उस गन को उठाओ। सो यार देखो सीन क्या होता है, मुझे पता बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि भाई AKM इज़ बेस्ट एंड M4 इज़ बेस्ट। सो यार मैं मानता हूँ कि यार वो गन्स बेस्ट हैं एंड ऐसी कोई बात नहीं, सब गन्स ख़राब होती हैं, मतलब चलाने वाले पे डिपेंड करता है किसका एम ज़्यादा अच्छा है। लेकिन सीन क्या है ना, देखो आप जैसे शुरुआत में पबजी खेलते थे वैसे ही अभी भी नहीं खेलते ना, आपने कुछ तो चेंजेस किए होंगे। तो वैसे यार यहाँ पे वैसे हमें वैसे एक चेंज करने की ज़रूरत है। एंड देखो सीन क्या है, को सीन क्या है यार कि AKM से जो M4 है, M4 को लेकर चलते हैं बिकॉज वो भी 5 पॉइंट पे एंड सबसे ज़्यादा फेवरेट गन है सबकी। सो वो ऑटो पे चलती है, ठीक है। तो सामने वाले बंदे को भी होल्ड दबा के रखना है एंड आपको भी होल्ड दबा के रखना है, ठीक है। आखिर में कौन जीतेगा, जिसका एम अच्छा है। एंड फॉर एग्जाम्पल आपका एम भी अच्छा है, उसका एम भी अच्छा है, तो मतलब वो भी हेड मार रहा है, आप भी हेड मार रहे हो एंड दोनों ने होल्ड कर दिया तो। पर लेकिन M16A4 में क्या सीन है कि जिसकी टैपिंग फास्ट है, जो बंदा जितनी जल्दी टैप कर सकता है ना उसका उतना सही होगा, साथ ही वो उसका डोमिनेशन हो जाएगा क्योंकि मैक्सिमम दोनों गन्स का डैमेज सेम है एंड साथ ही में इसकी फायरिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है। अगर बर्स्ट पे चलाओ, सिंगल पे नहीं बर्स्ट पे चलाओ एंड अगर आप टैप कर दो, मतलब आप समझ रहे हो एक बार टैप से आपकी 3 गोलियाँ एकदम एग्जैक्ट लोकेशन पर जा रही है। मतलब अगर M4 में आप 1 से 2 गोली गई उसके बाद रिकॉयल होगा, हल्का लेफ्ट राइट हो जाएगी, बट आपके एक टैप में जो अगर एक जो जाएगी एक बार जो 3 गोलियाँ जाएंगी वो एक बार हेड पे लगेंगी, फिर उसके बाद वो ऊपर नीचे होंगी, रिकॉयल होंगी सेकंड टाइम पे। अगर आप उसका रिकॉयल कंट्रोल करना सीख जाते हो थोड़ा सा भी, एंड यार मैं आपको बताऊँ आयरन साइट पे ये इतनी ज़्यादा प्यारी चलती है, आपके हमने गेम प्ले चल रहा होगा, इतनी ज़्यादा प्यारी चलती है आयरन साइट पे ये गन, मतलब लिटरली आप देख के शौक हो जाओगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि यार आपको एक्चुअली इसको यूज़ कैसे करना है। तो देखो सबसे पहली चीज़ है कि आप इसको आयरन साइट पे यूज़ करो, इसमें एडजस्टमेंट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अगर आपको कंपनसेटर वगैरह मिल जाता है तो आप यूज़ करो। साथ में बहुत सारे लोग इसको कहते हैं कि आप सिंगल टैप पे यूज़ करो, तो देखो ऐसा नहीं है, आप इसको बस्ट पर ही यूज़ करो। एंड अगर आपसे इसको मिड रेंज लेना, यानी कि 3x या 4x या 5 लेनी, तो भी आप उस पर बस्ट पर ही प्रैक्टिस करो इसकी। बस्ट पर मैं कह सकता हूँ कि हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, तो साथ में अपने आप एक ऐसी गन रख सकते हो ना जिसके द्वारा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सेकेंडरी गन M4 रख लो स्प्रे वगैरह करने के लिए, एंड बाकी इससे जो है आपका क्लोजिंग का आइटम करो, मतलब आयरन साइट पे चलाओ, बेस्ट रहती है आयरन साइट पे चलाने पे। देखो जो इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि अगर सामने वाला बंदा बहुत तेजी से लेफ्ट राइट कर रहा होगा, ठीक है, तो आपको भी अपने गन को लेफ्ट राइट करना पड़ेगा। एंड फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसे ऑटो वाला सीन तो है नहीं कि हाँ एक आध गोली टच हो ही जाएगी, ऐसा नहीं है, तो आपको अपना एम इतना अच्छा करना पड़ेगा कि वो जैसे लेफ्ट हो रहा है तो आपका भी तुरंत लेफ्ट हो जाए, आपका मतलब कहते हैं ना गन का एम, एंड वो उसके हेड पे जाके लगे या उसकी बॉडी पे जाके लगना चाहिए। तो ये सीन यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, जिसके लिए अगर जिसका एम अच्छा नहीं है वो इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। साथ ही में यार इसमें ज़्यादा एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब आपको पता है M4 वगैरह में काफ़ी ज़्यादा एडजस्टमेंट्स लगाने पड़ते हैं एंड यहाँ पे इतना एडजस्टमेंट्स का सीन नहीं है, तो ये भी एक इसका प्लस पॉइंट है। एंड दूसरी चीज़ ये ना है कि यहाँ पे आप क्या कहते हैं ना, यहाँ पे आपको लिए मूवमेंट करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज टैप टैप करने में सारा फोकस फिंगर को फास्ट करने पर जाता है। तो यहाँ पे आप भी देख रहे हो कि मेरी ड्रिल्स वगैरह नहीं लग रही है, पर ऑटो में काफ़ी अच्छी ड्रिल्स लगती है मेरी। एंड मैं समझता हूँ कि हाँ ड्रिल्स का मुझे एक फ़ायदा नहीं हो रहा है, बट हाँ मैं पूरा वो मास्टर करने की कोशिश करूँगा कि M16A4 से भी ड्रिल्स लगाऊं बैक टू बैक एकदम OP, एंड उसके ऊपर पूरी कोशिश चल रही है मेरी, मतलब बटन्स वगैरह को चेंज कर रहा हूं मैं, तो देखते हैं उससे भी ड्रिल्स आएंगे। एंड जो उसकी मोस्ट लवली चीज़ है ना वो ये कि जब आपके अंदर क्लोज रेंज फायर होती है, जब आपका हिप फायर होता है, यानी कि जब आपका ADS नहीं खुलता है, हिप फायर वाला जो सीन होता है, उसमें आपको सिर्फ एक बार अपना कनेक्ट कराना है, लिटरली सिर्फ एक बार कनेक्ट कराइए आप अपने गन को किसी भी तरह से, आप तुरंत शूट मत करते रहिए, पहले आप भागिए लेफ्ट राइट करिए हल्का सा उसके अगल बगल घूमिए, जैसे आपका एम सेट होता है मतलब फंसता है एम, तुरंत शूट कर दीजिए, एक शॉट में ऑलमोस्ट बंदा खत्म होता है इसका, इतना सही सीन है ना। एंड यहाँ पे आपका एम ईजी लगता है, आपका एम अच्छा होगा बिकॉज ऑटो में क्या होता है, हम बस शूट करने लग जाते हैं एंड एम नहीं सेट करते, बस दबाते रहते हैं, बॉडी जा रहा है जो जा रहा है, पर इससे आपकी प्रैक्टिस बनेगी कि आप हेड पे बार बार मारोगे। एंड मैं ऑफकोर्स सारे शॉट्स मैक्सिमम हेड पर ही फोकस कर रहा हूँ, तो ऐसे मैं सिर्फ हेड पे ही फोकस कर रहा हूँ एंड उससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। एंड यार अब आप मेरे थोड़ा सा देख सकते हो, क्लिप्स वगैरह लगी हुई, थोड़ा गेम प्ले वगैरह देखो आप, इन्जॉय करो, थोड़ी बहुत लगा दूंगा, बाकी मैं मेरा यही बेसिकली मोटिव था बताना कि यार आप इस गन को यूज़ करना स्टार्ट करो, ट्रेनिंग में प्रैक्टिस करो, एंड ये बहुत अंडर रेटेड गन है एंड आप भी इसको यूज़ करने के बाद खुद कहोगे कि हाँ भाई ये बहुत अच्छी गन है, इसको यूज़ करके देखो, एक आध क्लासिक खेलो, शेनॉक्स खेलो, एंड उसमें शेनॉक में काफ़ी आराम से मिल जाती है ये और बाकी सारे मैप्स में आराम से मिल जाती है। सो होप्स अगर आपको वीडियो पसंद आएगा एक लाइक देना, शेयर
जो करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और भी बहुत सारे ऑसम ऐसे 16 o'clock गेम प्लेस के लिए, साथ ही मैं आपके लिए ऐसे बहुत से इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता हूँ। पबजी मोबाइल से डायरेक्ट, तो बाय बाय साइकोबॉट।